अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्त बेहद उत्साहित हैं। साधु संतों में भी उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ है। इस मुद्दे पर दशकों पुरानी चल रही राजनीति का भी अब अंत लगभग हो चुका है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश में मस्जिद बनाने के लिए जमीन का जिक्र भी किया गया था। अब उसी पर अयोध्या में मस्जिद के निर्माण की हलचल भी बढ़ सी गई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जल्द ट्रस्ट का गठन कर सकता है। अगले कुछ दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश में दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर काम शुरू हो सकता है। मस्जिद बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रस्ट का ऐलान होगा। वक्फ बोर्ड को अयोध्या की सोहवाल तहसील के धन्नीपुर गांव में मिली 5 एकड़ जमीन पर बोर्ड को कब्जा भी मिल गया है। जल्द ही ट्रस्ट का परमानेंट अकाउंट नंबर हासिल किया जाएगा, फिर उसका बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद ट्रस्ट उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जन सहयोग से धनराशि इकट्ठा करना शुरू कर देगा। लेकिन अब मस्जिद निर्माण की चर्चाओं के बीच साधु संत समाज की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। मस्जिद निर्माण को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने तो मस्जिद बनाने पर विचार करने वालों को एक नसीहत भी दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस्लामिक मर्यादा में ही कोई निर्माण वहां किया जाए, क्योंकि इस्लाम में दान में दी गई जमीन पर मस्जिद जायज नहीं होती है। इसलिए वहां मस्जिद तो बन ही नहीं सकती है, और यदि मस्जिद बनाते हैं तो गैर इस्लामिक होगी, उसमें इबादत कबूल ही नहीं होगी। और यदि उसमें विद्यालय बनवाएं, मेरा कहना है कि संस्कृत विद्यालय बनवा करके एक मिसाल प्रस्तुत करिए। और अगर संस्कृत विद्यालय बनवाते हैं तो सबसे पहला डोनेशन 1.25 लाख रुपए मैं दूंगा। लेकिन इससे इतर आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलवाते हुए कहा है कि अगर मस्जिद बनती भी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बने तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मस्जिद बनाने का जैसे ट्रस्ट यदि बन गया है तो मस्जिद बनावे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेशानुसार 5 एकड़ जमीन उनको मिल गई है। अब इस मामले में राजनीति ना ही हो तो बेहतर है। साधु संत भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के मुताबिक ही सब कुछ हो, ऐसा कोई निर्माण ना हो जिससे कि फिर से तनाव का माहौल बने, क्योंकि अयोध्या में दशकों बाद अब जाकर शांति महसूस हो रही है। न्यूज डेस्क, कमल कौशिक, खबरें अभी तक।